नंबर गेम में बने रहने के लिए गहलोत का ऑपरेशन होटल जारी है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का ताजा संदेश यह है कि विधायकों को अभी कुछ दिन और होटल में ही रहना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज किया है कि राजस्थान कोरोना से लड़ रहा है और गहलोत सरकार होटल में अंताक्षरी खेल रही है। दीवार से दूर वक्त कैसे कटे इसका भी पूरा इंतजाम है। विधायकों ने कभी फिल्म शोले में गब्बर सिंह के डायलॉग का लुत्फ उठाया, कभी मुगल आजम में बागी सलीम को निहारते दिखे। नए जमाने के विधायकों ने आमिर खान की फिल्म लगान देखी। फिल्म से मन भरा तो अंताक्षरी शुरू हो जाती है। गहलोत गुट के विधायक सुरीली तान छेड़ने लगते हैं। महिला विधायक तो लजीज पकवानों का हुनर सीखने में भी जुट गईं। कुछ विधायकों ने होटल के किचन का भी रुख किया। मुख्यमंत्री की बैठकें भी यहीं होती हैं और मंत्री का काम धाम भी यहीं होता है। फाइलें भी यहीं से निपटाई जा रही हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सारी फाइलें यहीं मंगा ली। बाकी मंत्रियों का भी दावा है कि सूबे का कोई काम नहीं रुक रहा, कोई फाइल नहीं रुक रही। कुल होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूँ तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूँ, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूँ। कुछ विधायक हौजी खेलने में लगे रहे, ये नंबरों का खेल है। राजस्थान में नंबर का ही खेल चल रहा है। अब देखना है कि पायलट गुट के बगावत के बाद गहलोत खेमा नंबरों की रेस में कहां ठहरता है। क्या ऑपरेशन फाइव स्टार होटल में सरकार बचेगी, गहलोत की कुर्सी बरकरार रहेगी या फिर पायलट कोई करामात कर गुजरेंगे, नई उड़ान भरेंगे। जयपुर से मौसमी सिंह और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।